हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज 6.4 देखने वाले हैं। इसके हम क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे, और उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए, हम तीनों एक्सरसाइज देख चुके हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 6.3 तक हम लोग देख चुके हैं, उनको कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी उन एक्सरसाइज की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो टू स्पेशल ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया है, इक्विलेटरल और आइसोस्केलस। ये जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी इस चैप्टर की 6.1 एक्सरसाइज की, उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है और आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है। इसके अलावा मैंने स्केलन ट्राइंगल भी बताया था, है ना। तो देखो, इक्विलेटरल का मतलब जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो। आइसोस्केलस का क्या मतलब होता है? आइसोस्केलस यानी एक ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स की लेंथ बराबर हो और एक साइड की लेंथ डिफरेंट हो। तो पहले हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन। अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे आइसोस्केलस कौन सा होता है। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड इक्वल लेंथ की हो उसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल कहेंगे। तो बेसिक चीज ना इसमें यही जानने की है। देखो, आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड की सेम लेंथ होती है, बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। तो जो बेस एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड, बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड के अपोजिट जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बस आपको इसमें ये समझना है, इक्विलेटरल क्या होता है, आइसोस्केलस क्या होता है। आइसोस्केलस में दो साइड बराबर होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो, हमें क्या पता चलता है कि देखो, जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड की जो लेंथ है, सपोज कीजिए 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो दो साइड की जो लेंथ होती है, जैसे 5 और 6, इनका अगर हम प्लस करें, 5 प्लस 6 करें, तो वो तीसरे साइड से बड़ी होगी, ठीक है। तो जो सम होता है किसी भी दो साइड का, ट्रायंगल के दो साइड का, दो साइड की लेंथ का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर थोड़ी जस्टिफाई कर रखा है कि ऐसा क्यों, तो यही यहां पर भी देखो यही कंक्लूड किया गया है कि जो सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, कि ट्रायंगल की दो साइड का जोड़ तीसरे साइड की लेंथ से बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं कि क्या कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसकी साइड्स हो 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो सपोज करो एक ट्रायंगल है, इसकी एक लेंथ होगी 10.2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की है 5.8 सेंटीमीटर और थर्ड साइड की है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर अगर ये ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इसमें किसी भी दो साइड का जो जोड़ है ना वो तीसरी साइड से बड़ा आएगा। देखो, हम अगर 4.5 इस साइड का और इस साइड का प्लस कर दें, इस साइड और इस साइड और इस साइड की लेंथ का प्लस कर दें, तो वो इससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। तो अगर हम प्लस करेंगे तो ग्रेटर आ रहा है, यस आ जाएगा ग्रेटर, क्योंकि देखो 4.5 और 5.8 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.3, तो ज्यादा आ रहा है 10.2 से, है ना। और उसके बाद अगर मान लो हम इन दो साइड को प्लस करते हैं, कि देखो हम लोग प्लस करते हैं 5.8 को और 10.2 को, इनको प्लस करते हैं दोनों साइड्स को, और देखते हैं कि 4.5 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है आएगा ही, 10 और 5 दोनों ही 4.5 से ऑलरेडी ही बड़े हैं, तो इनका सम भी इससे बड़ा ही आएगा, तो यस। उसके बाद अब हम प्लस करेंगे, चलो अब हम प्लस करते हैं 10.2 और 4.5 को, प्लस कर देखते हैं कि क्या थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा, तो यस इसमें भी बड़ा ही आएगा। तो इससे पता चलता है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, इट मींस कि ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई अगर आपसे बोला गया कि 2 का और 2 का प्लस करो और ये लास्ट वाला हमारा 20 दे रखा हो, तो या 10 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, यहाँ 10 और यहाँ 2, अब आप 2 और 2 यानी दो साइड का प्लस करोगे, 2 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लस 2 तो 4 होता है,
तो बड़ा तो नहीं आ रहा, थर्ड साइड 10 है और हमारा आंसर 4 आ रहा है सम, तो यानी ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जिसमें दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा आए वही ट्राइंगल हो सकता है। हमेशा ट्राइंगल में ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एक और दे रहेगा, इसको आप रीड कर सकते हो, वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं, हमारी 6.4 एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड, क्या इन साइड के होते हुए मतलब ये साइड का ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें 2 सेंटीमीटर की एक साइड हो, एक साइड 3 सेंटीमीटर की और एक 5 सेंटीमीटर की। तो एक ट्राइंगल है, इसमें एक 2 की, एक 3 की, एक 5 की है, तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है बनना? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने इस एग्जांपल में चेक किया, दोनों साइड को प्लस करेंगे और थर्ड साइड से देखेंगे थर्ड साइड से बड़ा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर समझो, हमें साइड्स दे रखी थी 2, 3 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 और 3 इन दोनों साइड को लेते हैं, इन दोनों साइड का हम लोग प्लस करते हैं तो इससे बड़ा आना चाहिए, लेकिन इन दोनों साइड का जब हम प्लस कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है, इससे बड़ा आना चाहिए था लेकिन इसके बराबर आ रहा है, तो यानी ये ट्राइंगल नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप लिखोगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, आप सबसे पहले ये लिख देना कि इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ आइदर टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन वन का आंसर आप फिर लिखना शुरू करोगे कि गिवन दैट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल की जो साइड्स दे रखी हैं वो 2, 3 और 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो ये इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, हम लोग देख सकते हैं कि 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर, हाउएवर 5 सेंटीमीटर = 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर जो हमारा प्लस कर कर आंसर आया 3 और 2 को, वो तो 5 सेंटीमीटर, ये जो थर्ड साइड है दोनों तो बराबर हैं, बड़ी नहीं है, तो इसी वजह से आप लास्ट में लिख दोगे हेंस दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। फिर आप अपनी बुक में देखो, आपका सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिखोगे द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फिर आप प्लस करोगे किसी भी दो साइड को, सपोज कीजिए 3 + 6 कर रहे हैं, सपोज क्या हम कर ही रहे हैं वैसे, तो देखो 3 + 6 हमने कर लिया, 9 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर है, इनका सम 9 आ रहा है, तो यानी थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, अब बाकी इन दोनों साइड को प्लस करते हैं, इन दोनों साइड का प्लस किया 6 + 7 = 13 आ रहा है, ठीक है, हाँ 13 आ रहा है जो कि 3 से बड़ा ही है, ठीक है। अब फिर हम प्लस करते हैं और कौन सी साइड बची हुई, और 3 + 7 कर लेते हैं, एक इस साइड 3 + 7 कितना होता है 10 होता है, 6 सेंटीमीटर से बड़ा आंसर आ रहा है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दोगे और फिर लिख दोगे लास्ट में हेंस दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी बुक में, आपकी बुक में दे रखा होगा 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये साइड्स हैं आप लिखोगे, तो अब पहले दो साइड को प्लस करो, 6 + 3 = 9 आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 से बड़ा, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 और 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है, बड़ा आंसर आना चाहिए ये ध्यान रखिए, 3 और 2 इन दोनों साइड को प्लस कर देंगे, इनका आंसर 5 आ रहा है जबकि तीसरी साइड तो 5 से बड़ी है, तो यानी जो आंसर आया वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं आया, इसकी वजह से हम लिखेंगे दिस ट्राइंगल, हैंस दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, आप ना कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, किसी ये ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है, ठीक है, पी क्यू आर ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, इसके बीचों बीच आपको एक ओ पॉइंट लेना है, ठीक है, इसके अंदर मतलब इंटीरियर लेना है, अंदर आप कहीं पे भी ओ पॉइंट मान लो। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से, तो यहां पर OP प्लस OQ यानी ये बड़ा होगा QP से, PQ से, PQ क्या है P और Q ये वाली लाइन, तो बोला गया है ये प्लस ये इन दोनों का जोड़ ये थर्ड वाली जो लाइन बनी इससे बड़ा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इफ O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, देन थ्री ट्राइंगल्स ओ पी क्यू
OQR and ORP can be constructed. In a triangle, the sum of the lengths of either two sides is always greater than the third side. ये आप लिख दोगे आंसर के स्टार्टिंग में ही. कि देखेंगे हम लोग क्या बोला गया है कि अगर O को हम मिडिल पॉइंट मानते हैं, मतलब तो हम तीनों ट्राइंगल ही देखो, जैसे ओ पी क्यू ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया यहाँ पर अंदर, है ना. ओ क्यू आर ये एक और ट्राइंगल बन सकता है. ओ क्यू आर इस तरीके से देखो, ये एक और ट्राइंगल इधर बन गया, है ना. देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना. और फिर ओ आर पी, ओ आर पी ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है. तो इस तरीके से हम तीन ट्राइंगल बना सकते हैं. तो अब यहाँ पर हमें पता है कि दो कोई भी दो साइड का प्लस थर्ड साइड से बड़ा ही होता है ट्रायंगल में. तो ओ पी और ओ क्यू ये थर्ड पी क्यू से बड़ा है कि नहीं ये पूछा गया है. यस एज ओ पी क्यू इज अ ट्रायंगल विद साइड क्यू पी क्यू, ओ क्यू एंड पी क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू. हाँ तो देखो, जब हमें ये पता ही है कि भाई ट्राइंगल में दो साइड का प्लस हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होता है, तो ये तो सही बात है कि देखो ओ पी यानी कि ये एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है. देखो ओ पी क्यू ये एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है इंटीरियर में, इस बड़े ट्राइंगल के इंटीरियर में ये ओ पी क्यू एक और ट्राइंगल बन रहा है ना. और इसके तीन साइड्स हैं, एक ओ पी, एक पी क्यू और एक क्यू ओ, है ना. तो अब यहाँ ओ पी प्लस ओ क्यू ये जो हैं, ये इनको सम, इनका जो सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा. ये तो पता ही है हमें कि ट्राइंगल में दो साइड का प्लस थर्ड साइड से बड़ा ही होता है. तो यस बड़ा होगा, तो आप लिख दो कि यस, क्योंकि ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है, तो इसमें ओ पी प्लस क्यू पी, सॉरी ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा ही होगा पी क्यू से, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में है कि ओ क्यू, ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा होगा क्यू आर से, यानी इस वाली साइड से, यानी इस ये वाली साइड और ये वाली साइड इनका प्लस इस वाली साइड से बड़ा होगा. तो हाँ बड़ा होगा, क्योंकि दो साइड्स का प्लस हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होता है. तो सेकंड वाले में भी आप लिख दोगे यस एज ओ क्यू आर इज अ ट्राइंगल विद साइड्स क्यू आर, क्यू ओ क्यू एंड क्यू आर, क्यू ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर. या फिर ओनली यस भी लिख सकते हो, यस यस, और लास्ट वाला भी यस ही हो जाएगा आपके आपका, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ओ आर और ओ पी इस वाली साइड से बड़े होंगे इन दोनों का सम. हाँ तो यहाँ पर भी आप यस लिख देना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं. ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है, उसमें ए एम मीडियम है. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा टू ए एम से. कंसीडर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एम एंड ए एम सी. तो यहाँ ना मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ. यहाँ बोला गया है कि आपको ना क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना है ए बी सी, फिर उसमें ए एम मीडियन मान लेना है, ए एम ट्राइंगल का मीडियन हो जाएगा. फिर पूछा गया है कि ए एम ए बी में, ए बी में जब हम बी सी प्लस करेंगे प्लस सी ए करेंगे, तो क्या वो टू ए एम से बड़ा होगा. आपको जो है ट्राइंगल की जो साइड्स है ना, उन्हें कंसिडर करना है, ट्राइंगल ए बी एम और ट्रायंगल ए एम सी. अब हम इसका आंसर देखते हैं. तो देखो, हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, इसका मीडियन मान लिया ए एम, ठीक है, इसका मीडियन मान लिया ए एम. फिर यहां इतना हमने कर लिया. कंसीडर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एम एंड ए एम सी. बोला गया कि कंसीडर करो कि ट्रायंगल की साइड ए बी एम और ए एम सी है. तो ये दो ट्राइंगल हमारे एक तरीके से बन गए, है ना. फिर आपसे पूछा गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जब प्लस होंगी इज ग्रेटर देन टू ए एम. तो क्या वो ये जो बीच में मीडियन है इसका डबल, इसका दुगना, यानी इसमें जब टू इंटू होगा उससे बड़ी होंगी, ये आपसे पूछा गया है. तो देखो, जो ट्राइंगल होता है उसमें सम ऑफ द लेंथ ऑफ इधर टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हम जान चुके हैं. तो जो ट्राइंगल है ए बी एम, ए बी एम ये वाला जो ट्राइंगल है, ए बी एम ये वाला जो ट्राइंगल है,
इसमें हमें पता है कि भाई ए बी यानी ये वाली साइड और बी एम यानी ये वाली साइड ए एम से बड़ी है, ठीक है। यानी इस वाली साइड का और इस वाली साइड का जब हम प्लस करेंगे तो ये जो थर्ड वाली साइड है इससे बड़ा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, यानी ये होता ही है ट्राइंगल में। सिमिलरली अगर हम दूसरा ट्राइंगल देखें जो कि बन रहा है हमारा ए सी एम, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ए सी यानी ये वाली साइड और सी एम यानी ये वाली साइड, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये ए एम यानी इस वाली साइड से बड़ा आएगा इसका आंसर, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमें पता है ए बी, ए बी और बी एम का प्लस करने पर ए एम से ज़्यादा मतलब ए एम बड़ा आंसर आएगा, तो ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी, अब इन सबका हम लोग जब प्लस करेंगे तब भी हमारा ये जो ए एम बीच वाला मीडियन लाइन है उससे बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। देखो हमने दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे ये हमने बनाई थी ना ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम, ठीक है, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम इससे बड़ा होगा, ऐसे ही ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम ये भी हमने ली थी। तो हम दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे, पहले ए बी प्लस बी एम लिया, फिर इधर से ए सी प्लस सी एम लिया, ठीक है, उसके बाद इसको ले लिया ग्रेटर देन ए एम, फिर ग्रुप आर से ग्रेटर प्लस ए एम हो गया इसमें, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी टू ए एम से बड़े ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, यस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इस तरीके से आप इसका आंसर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फोर में है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें पूछा गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा होगा किससे, ए सी से यानी इससे, प्लस बी डी से यानी इससे। यानी क्या पूछा गया है कि देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी सॉरी प्लस डी ए, ये जो चारों हमारी साइड्स हैं क्या वो इन डायगोनल से जो ये वाली लाइन है और ये जो ये वाली लाइन है इनके जोड़ से बड़ी है या नहीं है। तो देखो हमें पता है दो साइड हमेशा ग्रेटर होती है, थर्ड साइड से ट्राइंगल की बात करें ट्राइंगल में, तो ये जो ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है अभी हम देखेंगे, तो ए बी सी ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है, इसमें हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी बड़ा है सी ए से, यानी ए बी प्लस बी सी ये जो दोनों होंगे साइड वो ये थर्ड साइड सी ए जो साइड है इससे बड़े होंगे, है ना, ये हमें पता है। चलो ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हमने बना ली। अब दूसरा जो ट्राइंगल है यहाँ बी सी डी, बी सी डी ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें देखो इसमें भी हमें ये पता है, क्या पता है हमें देखो कि बी सी प्लस सी डी यानी ये बी सी वाली जो साइड है ये प्लस सी डी ये वाली जो साइड है ये किससे बड़ी है, किससे बड़ी होगी ये डी बी से यानी इस वाली साइड से, इस वाली साइड से, ठीक है, इन दोनों साइड का, इन दोनों साइड का प्लस ये तीसरी वाली साइड से बड़ा ही होगा, ज़्यादा ही होगा, है ना। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। ऐसे ही हम तीसरा ट्राइंगल लेंगे सी डी ए, यानी ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें भी हमें पता है कि ये जो डी सी वाली साइड है और ये जो डी ए वाली साइड है वो ये तीसरी वाली साइड से इनका सम बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई कि सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी। उसके बाद एक और हम इक्वेशन बना लेते हैं फोर। देखो जैसे हम डी ए बी एक और ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ से डी ए बी ए जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें भी हमें पता है कि भाई डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन डी बी, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो हमें ये पता चल गया कि बीच वाली ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन है इससे बड़े ही आ रहे हैं सारे ट्राइंगल, है ना, सारे ट्राइंगल के दोनों जो साइड हैं वो इन साइड से बड़े ही आ रही हैं। तो अब इन सारी इक्वेशन को जो हमने लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, चारों ट्राइंगल की, एक तो इस ट्राइंगल की, इस एक इस ट्राइंगल की, एक इस ट्राइंगल की, एक इस ट्राइंगल की, जो चारों ट्राइंगल्स थे उनकी इक्वेशन हमने लिख ली। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, आपस में। तो इस तरीके से ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस लास्ट में हम इन सबको ऐड करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये सारे ही बड़े ही आ रहे हैं किससे, ए सी प्लस बी डी से, ठीक है।
तो आंसर लास्ट में आएगा यस, द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। ठीक है, अब यहां पर भी सेम वही चीज है कि एक एबीसीडी आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, एबीसीडी। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जो ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है, वो बड़े होंगे किससे, ए सी प्लस बी डी, और इसमें टू का और मल्टीप्लाई हो रहा है उनसे। ठीक है, तो यहां पर हमारी भी फोर इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहले ओ ए बी, यहां पर भी हमारे चार ट्राइंगल बनेंगे। एक तो ये पहला ये ट्राइंगल हो गया, इसमें हमें पता है, क्या पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इस वाली साइड से बड़ी है, यानी ओ ए, देखो सबसे पहले ओ ए, ये ओ ए और ओ बी ए बी से बड़े हैं, है ना। दूसरा ट्राइंगल लेंगे ओ बी सी, ओ बी सी, इसमें हमें पता है कि ये जो ओ बी है और ये ओ सी है, ये सी बी से बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ओ सी डी, ओ सी डी ये ट्राइंगल लेंगे, इसमें हमें पता है कि ओ डी ये वाली साइड और ओ सी ये वाली साइड इस वाली साइड से बड़े हैं। अब हम ट्राइंगल लेंगे ओ डी ए ये वाला, इसमें हमें पता है कि डी ओ और ओ ए डी ए से बड़े हैं। तो हमने चार इक्वेशन ली, देखो ओ ए प्लस ओ बी बड़े हैं ए बी से, ओ बी प्लस ओ सी बड़े हैं बी सी से, ओ सी प्लस ओ डी का सम बड़ा है सी डी से, और ओ डी प्लस ओ ए बड़े हैं डी ए से। हमने चार इक्वेशन ली, अब इनको हम लोग ऐड कर देंगे इन इक्वेशन को, तो लास्ट में आपको मिल जाएगा यस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, की ये गिवन एक्सप्रेशन जो है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है कि लेंथ दो साइड की, एक ट्राइंगल है उसकी दो साइड की लेंथ है हमारी 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, अभी जो तीसरी साइड है उसका किन मेजर्स के बीच में लेंथ होगा। तो ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है, तो सबसे पहले डिफरेंस भी जो लेंथ होंगी दो साइड की, तो हमें पता है कि जब इन दोनों का प्लस थर्ड साइड से बड़ा होता है तीसरी साइड से, तो इन दोनों का जो माइनस है वो तीसरी साइड से छोटा ही होगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, तो द थर्ड साइड विल बी लेसर देन द सम ऑफ दीज टू, तो इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो तीसरी साइड इससे छोटी ही आएगी। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस किया 12 प्लस 15 27 आ रहा है, एंड ऑल्सो इट विल बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू, और जितना इन दोनों में माइनस करके डिफरेंस आएगा इन दोनों में उतनी वो बड़ी होगी। तो 15 में से हम 12 को माइनस भी कर देते हैं तो आंसर आ रहा है 3। देयरफॉर वो दोनों मेजर, दोज टू मेजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 27 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जिनके बीच में लेंथ होगी किसकी, थर्ड साइड की। ओके, एक तो हमने इन दोनों 12 और 15 को प्लस करके 27 ले आया, और 15 और 12 को माइनस करके 3 ले आया, तो 3 और 27 के बीच में तो होनी चाहिए वो लेंथ, है ना। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट था ये, और हमारी 6.4 एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर समझ आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।